गुड मॉर्निंग लिटिल वंस, वेलकम अगेन इन आवर हिस्ट्री क्लास। इंटरेस्ट आ रहा है ना आपको हिस्ट्री पढ़ने में? ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है, पर देखिए आप है ना, जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना आपको बहुत मजा आएगा। मेरे लिए भी ये सब्जेक्ट नया है क्योंकि मैं हमेशा इंग्लिश पढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे भी काफी मजा आ रहा है पढ़ने में और पढ़ाने में, है ना। इसमें काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है हमारे हिस्ट्री के बारे में, शिवाजी के बारे में। अभी तक तो देखिए ना, हमने इतने सारे सेंट्स की स्टोरी पढ़ी, काफी इंटरेस्टिंग थी ना। कौन कौन से सेंट्स की स्टोरी पढ़ाया मैंने आपको? श्री चक्रधर स्वामी की, देन संत नामदेव, देन संत ध्यानेश्वर, है ना। मैंने आपको ये सारी स्टोरी सुनाई है, काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने क्या बताया था, श्री चक्रधर स्वामी क्या थे? ये थे ये गुजरात के प्रिंस थे, राइट। इन्होंने भी इन्होंने जो सेक्ट इस्टेब्लिश किया था वो था महानुभाव, ओके। और जो उनकी जो बुक थी वो थी लीला चरित्र। फिर संत नामदेव जी थे, वो अपने ग्रेट ही वॉज डिवोटी ऑफ विट्ठल। ग्रेट डिवोटी मतलब बहुत बड़े भक्त थे, किसके? विट्ठल भगवान के। और ही ऑल्सो कम्पोज लॉट ऑफ सॉन्ग्स बेस्ड ऑन गॉड, ओके। गॉड के प्रेज में उन्होंने काफी सॉन्ग्स लिखे थे, एंड ही कम्पोज हिंदी सॉन्ग्स ऑल्सो, ठीक है। वो कीर्तन करते थे और कीर्तन के ही थ्रू लोगों को जागरूक करते थे, एंड फिर उन्होंने महाराष्ट्र में भगवत धर्म को स्प्रेड किया, यानी हिंदू धर्म को। देन फिर कैसा डिवोशन टू गॉड, इस पे भी उन्होंने काफी अवेयरनेस लाई। फिर है ना, ये जो सेंट्स थे ना, दे ऑल वर जस्ट थिंकिंग वेलफेयर फॉर द पीपल, ओके। वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के ही बारे में सोचते थे। और देखिए, हर मूवी में विलन और हीरो जरूर होता है, हमारे रियल लाइफ में भी विलन्स और हीरोज दोनों है, राइट। तो जो विलन्स है वो हमेशा बुराई सोचते है, करते हैं, है ना, लेकिन एंड में हीरो की ही जीत होती है। आज हम इसीलिए हैप्पी है, राइट। तो देखिए, ये जो हमारे हीरोज थे, हमारे जो, फिर संत नामदेव पंजाब गए, वहां पे भी उन्होंने इक्वालिटी को ही प्रीच किया, ठीक है। आफ्टर दैट उनके जो श्लोक्स थे, वर्सेस थे, वो गुरु ग्रंथ साहिब जो होली बुक है सिख लोगों की, उसमें आपको मिलेगी। आज भी जो नामदेव ने, संत नामदेव ने जो सॉन्ग्स जो कंपोज किए थे, आज भी काफी लोग उसे काफी भक्ति और प्यार से गाते हैं। आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट संत ध्यानेश्वर। संत ध्यानेश्वर जो थे वो एक सन्यासी के बच्चे थे, और काफी उन लोगों को, काफी लोगों ने जो हायर क्लास के, अपर क्लास के लोग थे, उन लोगों ने काफी बैड ट्रीटमेंट दी उनको, काफी बैडली बिहेव किया उनके साथ। और उनके जो भाई थे, संत ध्यानेश्वर जो थे आपे गांव के थे, उनके जो भाई थे वो थे निवृत्तिनाथ एंड स्वपन देव, और जो उनकी सिस्टर थी वो थी मुक्ताबाई, ओके। फिर उनके जो पापा थे संत ध्यानेश्वर के, उन्होंने बीच में क्या किया था, उन्होंने संन्यास लिया था, और उसके बाद जब उनके गुरु ने उन्हें समझाया तो वो ही अगेन गेट बैक टू हिज टू स्टे विथ हिज फैमिली, और फिर उसके बाद उन्हें चार बच्चे भी हुए। अब बच्चे हुए तो जो अपर क्लास के लोग थे उन्होंने फिर से उन्हें मतलब परेशान करना शुरू कर दिया कि एक सन्यासी के बच्चे कैसे हो सकते हैं, राइट। जैसे कि हमारी तो खुद की लाइफ ही नहीं है, हम थोड़ी किसी के कहने पे उसके हिसाब से चलेंगे। पर पहले ऐसे ही होता था, जो रिच लोग थे वो हमेशा गरीब लोगों को या लोअर क्लास के लोगों को ही काफी टॉर्चर किया करते थे, ओके। फिर क्या हुआ, संत ध्यानेश्वर की फैमिली को उस कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया, ओके। फिर ये सब चीजें काफी फेस करने के बाद संत ध्यानेश्वर की जो, आपको मैंने बताया था, जब वो एक बार भिक्षा मांगने गए थे तो गांव के लोगों ने उन्हें काफी भला बुरा कहा, और उन्हें उससे काफी मतलब ही वॉज इन अ डीप पेन, काफी तकलीफ हुई उन्हें, बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उसके बाद उनकी जो सिस्टर थी उन्होंने उन्हें समझाया कि अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो लोगों के वेलफेयर के बारे में, इस वर्ल्ड के वेलफेयर के बारे में कौन सोचेगा। तब ध्यानेश्वर को लगा, यस, मुझे कुछ करना चाहिए लोगों को, ओके। आफ्टर दैट फिर उन्होंने, फिर वो लोगों के बीच में गए जो पुअर लोग थे, उनके बीच में गए, और उन्होंने उनको एक, लोगों को किस तरीके से इक्वल रहना चाहिए, ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए, ये सारी चीजें उनको, उन्होंने उनके दिमाग में ये सारी बातें डालना शुरू किया। अब उस टाइम का जो
अपना जो होम लैंग्वेज था वो था मराठी, और लोगों को संस्कृत नहीं आता था, तो जो बड़े पंडित थे वो हमेशा उन्हें ऐसे नीचा दिखाते थे धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, क्योंकि वो लोग तो अनपढ़ थे राइट, इसलिए वो उसे काफी टॉर्चर करके उन्हें दबा के रखते थे। ठीक है, फिर ये सब देखा संत ज्ञानेश्वर ने, और फिर उन्होंने एक किताब लिखी ज्ञानेश्वरी, जिसे उन्होंने मराठी लैंग्वेज में लिखा ताकि बाकी जो कॉमन पीपल्स है वो पढ़ के आप समझदार हो जाए और समझ आ जाए उनमें। ठीक है, और फिर उन्होंने आलंदी नियर पुणे में उन्होंने काफी छोटी एज में ही उन्होंने क्या किया, समाधि ले लिया। ओके ठीक है, आलंदी में। ठीक है, और फिर काफी लोग आषाढ़ और कार्तिक के 11th डे वो काफी जो पिलिग्रिम्स थे तीर्थयात्री है वो जाते हैं उनके दर्शन को। ठीक है, आलंदी पांडरी में। ओके, जो पुणे के पास है। ठीक है, ओके, टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट संत एकनाथ। अगेन एक बहुत ही ग्रेट मैन जो है वो है संत एकनाथ। अब आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। संत एकनाथ कैरिड ऑन द वर्क स्टार्टेड बाय संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर। जो काम संत एकनाथ और सॉरी नामदेव और ज्ञानेश्वर ने शुरू किया था उसे ही संत एकनाथ ने कैरी ऑन किया। आपको जैसे मैंने बताया जो ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर थे वो उन्होंने काफी छोटी एज में ही समाधि ले ली। समाधि मतलब पता है ना आपको, जिंदा ही अपने आप को दफन कर लेना इस टाइप से। तो अब उनका जो काम था, फिर लोगों में जागरूकता आई, फिर लोग समझदार होने लगे, और फिर इसी तरीके से जो उनके जो काम को कैरी ऑन करके रखने के लिए कुछ कोई तो चाहिए ना, नहीं तो फिर से लोग उसी तरीके से टॉर्चर होते। लोग जो हायर क्लास अपर क्लास के लोग होते फिर से उसी तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट करते। तो इस चीज को कैरी ऑन करने के लिए कोई तो अच्छा इंसान चाहिए, फिर हमें एक हीरो की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जो संत एकनाथ थे उन्होंने ही संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर के काम को कैरी ऑन किया, वो भी लोगों में लव इक्वालिटी ब्रदरहुड चैरिटी इस तरीके का ही प्रीच किया। ओके, ही लिव्ड इन पैठान। जो संत एकनाथ थे वो पैठान के थे, वो वहां पे ही रहते थे। ओके, ही प्रीच दैट द वे टू रीच गॉड वॉज थ्रू डिवोशन भक्ति गिरी। अब भगवान हम वो क्या प्रीच करते थे, वो लोगों को क्या उपदेश देते थे कि अगर आपको भगवान देव भक्ति करनी पड़ेगी, आपको भक्तिगिरी करनी पड़ेगी, अगर आपको एकदम भगवान के चरणों में स्पेस पाना है, जगह पाना है, भगवान को पाना है, तो उसके लिए हमें भक्तिगिरी करनी पड़ेगी, है ना। तो उन्होंने देव भक्ति का ही मार्ग लोगों को दिखाया। किसने? संत एकनाथ ने। ही रोट न्यूमरस रिलीजियस सॉन्ग्स। अब देखिए जो ये थे संत एकनाथ थे, उन्होंने भी काफी रिलीजियस सॉन्ग्स को लिखा, है ना, अभंग ओवीस एंड भारूद। ओके, ये सारे सॉन्ग्स के नाम है जिस जो संत एकनाथ ने लिखे थे। ओके, मतलब ये सब सॉन्ग्स के थ्रू लोगों में हम एक अच्छा मैसेज पहुंचाते थे। ये लोग जो अच्छा मैसेज पहुंचाया करते थे लोगों के बीच में, वो गा के समझाए या ड्रामास के थ्रू समझाए। भारूद भी एक सॉन्ग है जो फनी टाइप है आई थिंक, और इस तरीके से वो फनी और मजाकिया तौर पे भी लोगों में काफी अच्छे मैसेज पहुंचाया करते थे। ये सॉन्ग है, आप सुनिएगा इसे। His advice to the people was not to accept any distinction of high and low. अब ये क्या करते थे जो संत एकनाथ है ना, वो क्या लोगों को एडवाइस करते थे कि आपको लोगों में भेदभाव नहीं करना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है। अगर ये सब हम सब भी करने लगेंगे तो फिर अपर जो क्लासेस के लोग हैं वो तो हमें और दबाएंगे। तो वो कॉमन जो लोग थे उनको ये सब चीजें सिखाते थे कि ये सब हमें नहीं करना है। ओके, तब लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे कि नहीं, जो लोग हम पे अत्याचार करते हैं हमें उनके अगेंस्ट खड़ा होना ही पड़ेगा, तभी तो हमें शांति मिली है आज। ओके ओके, फिर जैसे देन ही मेड फ्रेंड्स विद द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन एंड टॉट देम डिवोशन टू द गॉड। अब देखिए ये जो संत एकनाथ थे ना, वो कभी अपर लोगों से दोस्ती रखना है ऐसे लोगों से वो दोस्ती नहीं करते थे। वो किन लोगों से फ्रेंडशिप करते थे? जो पुअर है, जिनकी कास्ट बहुत लो है,
उन लोगों से फ्रेंडशिप करते थे, लाइक जो दलित होते हैं ना, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों से वो फ्रेंडशिप करते थे और उन लोगों को ही उन लोगों को सिखाते थे डिवोशन टू गॉड, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, अपने भगवान की अपने कास्ट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, ये सब चीजें ये सेंट्स लोग ही सिखाते थे सारे लोगों को. ओके, हिज लव एक्सटेंडेड इवन टू द डम एनिमल्स. अब वो क्या सिखाते थे लोगों को कि आपको जो लोगों के साथ तो प्यार करना ही है, लेकिन आपको डम एनिमल्स के साथ भी प्यार करना है. डम मतलब होता है मुंह के जो गूंगे होते हैं ना, आपको पता है हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाते हैं, लेकिन एनिमल्स करते हैं ऐसा नहीं कर पाते है ना, तो हमें उनकी फीलिंग्स को भी समझना पड़ेगा, उनमें जो पेन है और वो बोल नहीं पाते हैं, वो उनको भी तो हमारी तरीके से ही दर्द होता है ना, तो हमें वो सब वो उनसे भी प्यार करना सिखाते थे जो डम एनिमल्स थे. लोगों के साथ साथ हमें एनिमल्स के साथ भी प्यार करना चाहिए. ही एग्जॉर्टेड द पीपल टू लव ऑल लिविंग बींग्स एंड प्रैक्टिस दैट ही वॉट ही प्रीच. अब देखिए, वो लोगों को प्रोत्साहन तो देते थे कि आपको ऐसा ऐसा करना है तो, लेकिन वो खुद भी ऐसा करते थे. ऐसा नहीं था कि ज्ञान दिया और घर में जाके बैठ गए, नहीं है ना. अगर हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो हमें उसे सबसे पहले हमें खुद फॉलो करना पड़ेगा. अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें रेस्पेक्ट दें तो उसके लिए हमें खुद भी उन्हें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, राइट. नहीं तो हम अगर बैड लैंग्वेज यूज करेंगे तो सामने वाला भी हमें वही रिटर्न बैक करेगा. तो इसीलिए तो ये जो सेंट्स थे ना, वो सिर्फ आपको प्रीच नहीं करते थे, सिर्फ आपको सिखाते नहीं थे, वो खुद भी उस रूल को फॉलो करते थे और फिर लोग उनको देख देख के वही फॉलो करते थे. ओके, वन डे ही वॉज गोइंग टू द रिवर गोदावरी फॉर ए बाथ. इट वॉज नोन एंड वेरी हॉट. एक दिन क्या हुआ, जो संत एकनाथ थे वो नहाने गए गोदावरी रिवर पे, और जो काफी धूप थी और काफी गर्मी भी थी. द सैंड बेड अलोंग द रिवर साइड वॉज वेरी हॉट टू. अब देखिए, जहां नदी होती है वहां तो रेती आपको मिलेगी ही, तो जो नदी का जो किनारा था ना, वहां पे जो वो रेत भी काफी गर्म थी, बहुत हॉट हो गई थी. अब फिर वो हम उछल उछल के चलने लगते हैं ना, जब बहुत चटके लगते पैरों को, तो उस टाइम तो चप्पल भी नहीं थी लोगों के पास, तो वो जो रेत था ना काफी गर्म था. ही हर्ड द क्राइंग ऑफ ए पुअर चाइल्ड सिटिंग ऑन द हॉट सैंड. आप इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा बच्चा उस गर्म रेत पे बैठ के बहुत जोर जोर से रो रहा था. संत एकनाथ लुक्ड अराउंड एंड सॉ द चाइल्ड. संत एकनाथ ने इधर उधर देखा और देखा कि छोटा सा बच्चा रेत पे बैठ के जोर जोर से रो रहा है. ही रश्ड टू हिम एंड लुक्ड अराउंड फॉर द चिल्ड्रन चाइल्ड्स पेरेंट. वो भाग के गए उस बच्चे के पास और वो उन्होंने इधर उधर देखा कि उस बच्चे के पेरेंट्स कहाँ है. वो काफी धूप चटका लग रहा होगा इसीलिए तो वो रो रहा होगा ना. ही पिक अप द चाइल्ड इन हिज आर्म एंड वीप हिज टियर्स एंड रीच हिम होम. अब उन्होंने फटाफट से छोटे से बच्चे को अपने आम में ले लिया, अपने गोद में ले लिया और उन्होंने उसके आंसुओं को पोछा और उसे उसके घर पहुंचाया. नहीं तो देखिए, वहां पे फोटोज में आप देख सकते, देखिए पीछे जो बैकग्राउंड में लोग दिख रहे थे कि किस टाइप से देख रहे कि अरे ये तो संत है और ये पता नहीं ये बच्चा कौन से कास्ट का है, फिर भी इसने उसको उठा लिया है ना. तब लोग हाय तौबा करने लगते थे. और पहले के लोग तो बहुत ही मतलब बहुत ही बैड बिहेवियर था उन लोगों का. वो अनटचेबिलिटी, उसको छूना नहीं, उसको नीचे नजर से देखना, किसी को गलती से छू लिया तो नहाना धोना शुरू कर देते थे. कोई लोअर कास्ट का कोई आ गया उनके घर के पास तो वो वहां पे पूरा धोना पोछना शुरू करते थे, गंगा जल छिड़कने लगते थे. ये तो बहुत गलत होता था उस टाइम. ओके, तो फिर देखिए काफी लंबी स्टोरी है इसके लिए भी. काफी फिर लोगों ने काफी भला बुरा उन्हें कहना शुरू किया कि अरे तुमको पता है क्या वो कौन से कास्ट का है, तुमने ऐसे कैसे गोद में उठा लिया, तुम तो पवित्र हो गए. ये सारी बातें, दुनिया भर की बातें लोगों ने उनको सुनाना भी शुरू किया था. मैं जस्ट एडवांस में आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है. ओके, इन दिस वे बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल एकनाथ इम्प्रेस द मैसेज ऑफ लव एंड इक्वालिटी ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल. अब देखिए इस तरीके से वो करते थे. अब ये नहीं है कि अरे तू उठा है ना. अगर वो चाहते तो वो उस बच्चे को नहीं उठाते कि मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं किया.
अब यही लोग देखेंगे तो सीखेंगे, है ना, कि जब वो सेंट होके किसी गरीब दलित या जो भी जिस भी कास्ट का बच्चा था उन्होंने उसे उठा लिया तो क्या हुआ, वो अपवित्र हुए क्या? नहीं, हम सब एक जैसे ही बच्चे हैं भगवान की नजरों में, है ना। ये कास्ट, ये मेरा भगवान वो तेरा भगवान, ये सब लोगों ने बांटा। भगवान ने किसी के भी होली बुक में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट कीजिए, भेदभाव कीजिए, छोटा बड़ा कीजिए, नहीं, ये किसी की भी किताब में नहीं लिखा। ये तो हमारे यहाँ पे फॉल्ट है ना, इसलिए हम ऐसा करते हैं, राइट। और उस टाइम तो कुछ ज्यादा ही था लोगों में जात भेदभाव ये सब चीजें। आज तो हम काफी सुखी है, एक जैसी इक्वालिटी है जेंडर में भी और कास्ट में भी। हम सभी के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, है ना, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं हम, और आप सब एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं, और इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। पहले के लोग तो खुद के घर में ही खुद को सेफ महसूस नहीं करते थे। ओके, एक नाथ इम्प्रेस द मैसेज ऑफ लव एंड इक्वालिटी ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। इसी तरीके से वो जो खुद ही खुद पर्सनल खुद एग्जाम्पल सेट करते थे, खुद वो काम करके लोगों को इम्प्रेस करते थे और उनके दिमाग में ये सारी बातें डालते थे लव एंड इक्वालिटी की। एनिमल से प्यार करो, लोगों से प्यार करो, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, भगवान की नजरों में सब एक है। तो आप भगवान के भक्त बनो, भगवान की आराधना करो, है ना। लोगों की आराधना करके आपको क्या हासिल होने वाला है, राइट। जाना तो हमें एक दिन वही है ना। ओके, काफी इंटरेस्टिंग थी ये संत एकनाथ की भी स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में काफी लंबा चैप्टर है, दैट इज वाई काफी पार्ट्स बन रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम संत तुकाराम एंड समर्थ रामदास के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय।